संजीव, तुम आज फिर कर आए हो, ये तुम्हारी रोज रोज की आदत बनती जा रही है। शट अप, तुमने ना बिल्कुल बिल्कुल सही कहा था, वो जैसे को तुम्हारे जैसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। ना तुमसे ढंग से बैठा जाता है, ना तुम अपने पाँव पे खड़ी हो पाती। ये क्या है, ये सारा दिन ये स्वेटर बुनती रहती, बोझ हो तुम धरती पे, बोझ। मैं तो इंतजार में बैठा हूँ कि तुम कब मरोगी और मुझे कब सुकून मिलेगा। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? हेलो ससुर जी, अरे वो आपको बताने के लिए फोन किया है कि मैं आपकी बेटी को डाइवोर्स दे रहा हूँ। क्यों? वो कह रहा है ना ससुर जी कि अब मेरे पास पैसे नहीं बचे आपकी बेटी की देखभाल करने के लिए, उसकी उसकी सेवा करने के लिए। संजीव, शादी के बाद से तुम मुझसे कितने पैसे ले चुके हो, ये घर भी मैंने तुम्हें रहने के लिए दे दिया है, अब क्या करूं मैं? ससुर जी, सिर्फ एक लास्ट बात, मेरे को एक बिजनेस सेटअप करने के लिए थोड़े अच्छे पैसों की जरूरत है, और फिर आप नहीं दोगे तो और कौन देगा? ठीक है संजीव, मेरे पास जो भी कुछ है बेचकर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर प्लीज मेरी बेटी माया के साथ बदसलूकी मत करो, उसे परेशान मत करो। उनको विश कर देते। हाय माया, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। आइए ससुर जी, आइए, आप ही का इंतजार था। आइए आइए, अरे मेरा गिफ्ट लाइए, अब आएगा एनिवर्सरी बनाने का मजा। हाँ भाई, केक लाओ यार, कहाँ केक शेक कहाँ है? अरे कम ऑन एवरीबॉडी, केक टाइम। हैप्पी एनिवर्सरी। संजीव, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हारी मांगों को पूरा करने के लिए मेरे पापा ने अपना सब कुछ बेच दिया। तुम्हारी लालच की अब हद हो चुकी है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। तुम भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती हो माया, और अब तो वैसे भी तुम्हारे बाप का सारा पैसा मेरे पास आ गया, तो फिर अब तुम्हारी क्या जरूरत? क्या कर रहे हो ये? छोड़ो मुझे, प्लीज संजीव, नहीं संजीव, प्लीज। रोहिणी, किस्मत का खेल देखो, संजीव भी मेरी बेटी माया की तरह उसी सीढ़ियों से गिरकर मर गया। अंकल, लालच बहुत ही बुरी बला है। ये सब सुन के लगता है कि शायद मेरी फ्रेंड पूजा भी संजीव की तरह पैसे देखकर लालच में पड़ गई। ये पैसा तो मेरा ही है, अभी इसे ले जाती हूँ, दीदी को बाद में मना लूंगी। Mm-hmm.
अंकल एक मिनट। हाँ बोल दीपा। दीदी मुझे मार डालेगी। दीदी मुझे तो डर मत, मैं अभी आ रही हूँ। अंकल आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मुझे लगता है आपकी बेटी माया वापस आ गई है। क्या? और अंकल आई एम वेरी श्योर कि उसी ने संजीव और पूजा दोनों को मारा है, और अब वो मेरी बहन को भी। अंकल आप ही उसे रोक सकते हैं, प्लीज मेरे साथ चलिए। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। दीपा दीपा जल्दी तैयार हो जाए, लेट हो रहा है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुबज़ो पैकर्स को फोन कर दिया है, वो आने ही वाले होंगे। देखना दीपा हमारे लिए नया घर कितना अच्छा होगा।